हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमिताज किचन। आज मैं आपके साथ वेज मेयोनीज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही इजी होती है और इसके इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पर इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आपको मार्केट से कुछ भी खास लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ। ये 1 कप मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जिसमें कि फ्लेवरलेस ऑयल होना चाहिए, उसमें कोई खुशबू नहीं होनी चाहिए। तो ये 1 कप मैंने ऑयल ले लिया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑयल को मैंने चिल्ड कर लिया है रेफ्रिजरेटर में रख के 1 से 2 घंटे। अगर ऑयल चिल्ड नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पे होगा, तो मेयोनीज हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो जितनी भी चीज़ें मैंने ली हैं वो मैंने चिल्ड ले ली हैं। जैसे कि ये दूध भी मैंने ले लिया है 1/2 कप, तो ये भी मैंने अच्छे से चिल्ड कर लिया है। थोड़ी सी आइस भी इसमें जमने लग गई है। तो जितना मैंने ऑयल लिया है उससे 1/2 मैंने मिल्क ले लिया है, और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल चिल्ड हैं। और इसके साथ ही ये मैंने चीनी ले ली है। घर पर जो हम नॉर्मली चीनी यूज़ करते हैं, उसको मैंने मिक्सर में इस तरह से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। तो ये 2 टेबल स्पून मैंने शुगर का पाउडर ले लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, और ये मस्टर्ड सीड्स हैं, राई के दाने हैं जो कि हम सब्जी में नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा आता है मेयोनीज का। और ये ऑरिगेनो है, थोड़ा सा ऑरिगेनो मैं दे रही हूँ, इससे लुक अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है मेयोनीज का। और 1 टेबल स्पून हम इसमें वेनेगर डाल लेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक सिंपल ये मिक्सर ग्राइंडर जार ले लिया है, जो कि नॉर्मली हमारे सबके घर में अवेलेबल होता है। तो इस जार को ही हम मेयोनीज बनाने के लिए यूज़ करेंगे। आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर का, इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन ये ग्राइंडर हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। तो आज हम मेयोनीज इसी में बनाएंगे। अब हम एक एक करके इस ग्राइंडर में सारी चीज़ें डाल देते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, 1 कप ऑयल, 1/2 कप मैं इसमें मिल्क डाल रही हूँ। दूध का यूज़ आप ज़्यादा नहीं करेंगे, जितना आपने ऑयल लिया है उससे 1/2 ही आपको मिल्क लेना है। अगर आप दूध ज़्यादा डालेंगे तो मेयोनीज आपका, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं बनेगी, वो क्रीमी टेक्सचर में नहीं बनेगा। तो ये 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है इसमें, 1/2 टीस्पून ऑरिगैनो डाल दीजिए, और ये पाउडर्ड शुगर जो कि मैंने घर पर ही बनाई है, ये 2 टेबल स्पून है, ये इसमें डाल देती हूँ मैं सारी। और 1/4 टीस्पून मैं इसमें राई डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल ना हो। और 1 टेबल स्पून इसमें मैं वेनेगर डाल रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको ब्लेंड करना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने इसका कवर लगा दिया है जार का। 2 से 3 मिनट इसको हम चलाएंगे। और ये देखिए हमारी मेयोनीज जो है वो बनकर रेडी हो गई है। कितना क्रीमी टेक्सचर आया है इसका, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी आई है इसकी। ये बिल्कुल मार्केट की तरह लग रही है, देखिए कितनी क्रीमी मेयोनीज बनी है। आप इसको सैंडविच पे लगा सकते हैं। हमारे पास सुबह सुबह समय की कमी होती है, और ऐसी चीज़ें बहुत कम अवेलेबल होती हैं कि हम जल्दी से ब्रेकफास्ट बना सके। तो झटपट ब्रेड पर थोड़ा सा मेयोनीज लगाइए, थोड़ा सा कुकम्बर, अनियंस, टमाटो, और एक डिलीशियस सैंडविच जो है वो मिनटों में बन करके रेडी हो जाता है। कि कितना बढ़िया और क्रीमी मेयोनीज बनकर रेडी हो गया है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उन्हीं को फॉलो करके आप ये मेयोनीज जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से घर पर रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे बेल आइकॉन है, उसको क्लिक करिएगा, जिससे मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ टिल दी एंड। बाय बाय।